हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी, शुक्र है अल्लाह का, मैं भी ठीक ठाक मज़े में। तो ये अब मैं ना ये आटा गूंद रही थी रोटी के लिए। तो ये जो आटा मैं आपको दिखा रही हूँ ईस्ट एंड का, ये लेके आई थी मैं। दूसरा वो गोल्डन वाला जो मैं वो बाद में लेके आई थी, दो बैग्स मैंने लिए थे, ये पहले लेके आई थी, वो मिला नहीं था। मैंने सोचा कि ईस्ट एंड का ये आटा अच्छा ही होगा, पर मुझे ये अच्छा नहीं लगा। अब ज़ाया तो करना नहीं है, जब तक ख़त्म नहीं होता तो मैं बना लेती हूँ, पर इसकी रोटी का मज़ा नहीं आता, अकड़ भी जाती है। तो ये अब मैंने आटा गूंद के रखा है। फिर मैंने सोचा कि आज आलू बैंगन क्यों ना पका लूँ। आलू बैंगन जो है ना सिर्फ मैं अकेली खाऊंगी, और घर में कोई नहीं खाता। हस्बैंड समटाइम्स खा लेते थे, लेकिन आजकल पता नहीं उनको क्या हुआ, नहीं खाते। तो एक ही ये बैंगन से काफ़ी सारा आलू बैंगन मेरे लिए हो जाता है, ख़त्म ही नहीं होता मुझसे। तो अब मैं बनाऊंगी आलू बैंगन, और इन के लिए मेरे हस्बैंड के लिए और मेरे बेटे के लिए चिकन विंग्स बन रहे हैं। मुझे चिकन विंग्स अच्छे नहीं लगते, मैं नहीं खाती, पता नहीं क्यों, मुझे पसंद नहीं है। तो अब ये मैं जो है रोटी पका रही हूँ। मेरी एक फ्रेंड है, वो बांग्लादेश से है, बंगाली है। तो मेरी फ्रेंड ने काफ़ी दफ़ा मुझे कहा था कि मैं जो रोटी है ना वो बनाते हुए वीडियो बनाऊँ। तो मैंने कहा चलो आज ही सही। वो मुझे बोल रही थी कुकिंग चैनल पे अपने ना तुम अपलोड करो। तो मैंने सोचा कि रोटी तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, चलो मैं यहाँ पे ही आज आपको बना के दिखा देती हूँ। तो ये मेरी फ्रेंड के लिए स्पेशली मैं वीडियो बना रही हूँ रोटी पकाते हुए। क्योंकि मेरे लिए थी, इन दोनों ने विंग्स खाने थे, ये सिर्फ विंग्स खाते हैं, उसके साथ ना कोई चिप्स या कुछ कुछ भी नहीं, खाली विंग्स ही खाते हैं। तो मैंने कहा अब मैं अपने ये रोटी पका लूँ। और आलू बैंगन भी मेरे तैयार हो गए थे, और ये मेरा लंच तैयार है। तो अब मैं अपने लंच इंजॉय करूँगी। ये इनके विंग्स भी तैयार हैं। तो जो है मैंने विंग्स बना के रख दिए थे। तो जब ये मेरा बेटा भी स्कूल से आया था, उसको मैंने वार्म अप करके उस वक्त दे दिए थे, क्योंकि आजकल मेरे बेटे की जो है ना एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं स्कूल के बाद भी। वो आता है वापस कोई 4:30 हो जाते हैं बेचारे को आते हुए। तो फिर मैंने ये बना के रख दिए थे ऑलरेडी कि चलो स्कूल से पिकअप करके सीधा वार्म अप करके ना उसको विंग्स में दे दूँगी।
यहाँ विंग्स तैयार है। विंग्स बना ही रही थी, ये पूरे फुली फ्राई हो गए थे, निकालने वाले थे, उसी वक्त धड़न करके आवाज़ आई है। शुक्र है मेरी बेटी को ये फ्रेम नहीं लगा, फोटो फ्रेम नीचे गिर के किरची किरची हो गया, काम ही मेरा बढ़ गया। तो अब फिर मुझे यहाँ पे सारा साफ़ भी करना पड़ा। मैंने कहा चलो ये अब साफ़ करके, तो फिर मेरी बेटी यहाँ से हट ही नहीं रही थी, बड़ी मुश्किल से उसको मैंने हटाया। अब आप ये देखें कि ये कुकर का क्या हाल हुआ है। मैं अब ये कुकर की क्लीनिंग करूँगी। ये फ्राई जो किए थे विंग्स, और एकदम से ना उछल के गिरा था ये विंग्स जो है ना, छींटे एकदम से गिर रही थी। और ये जो है ना, ये पाउंड शॉप से मिलता है ये क्लॉथ, बहुत अच्छे होते हैं, सफाई इनसे बहुत अच्छी होती है। तो आज की बस यहाँ तक ही रूटीन थी। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। दोबारा से हाजिर होंगी नई वीडियो में। सी यू लेटर, अल्लाह हाफिज़।